वेलकम एवरीवन। जो आज का सेशन है उसका टाइटल है कर्म योग। तो हमने सुना है भगवद गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और कई बार लोग बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कर्म योग है। सही है कि कर्म करना जरूरी है, जिसके बारे में हम आज देखेंगे कि भगवान एक्सरसाइज करते हैं। परंतु कई बार जो चीज मिसिंग है कि कर्म तो जरूरी है पर कर्म योग भी जरूरी है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना। तो वो योग पार्ट कई बार मिसिंग हो जाता है, तो हम उसकी डिटेल्स देखेंगे कि कर्म के साथ साथ योग इम्पोर्टेंट है। तो हमारी ड्यूटीज या जो स्वधर्म, यहाँ पे कई बार वर्ड यूज किया गया, वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है भगवान के, हमको बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे पर्सनली की किस प्रकार से हमको हमारी ड्यूटी के प्रति कमिटेड रहना चाहिए, तो ये है। और आज हमको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि मेरी 9 बजे एक ड्यूटी है एक, सो आई हैव टू जॉइन कॉल एट 9, सो आई विल शार्प ऑन टाइम। सो कर्मयोग, और जैसा हम हमेशा करते हैं कि स्टार्ट करने के पहले शॉर्ट में रिव्यू हमारे लास्ट टाइम का सेशन का, ताकि एक हमको याद रहे और एक मोटिवेशन भी रहे कि हम दूसरे वीडियोज जो यूट्यूब पे डाले उसको जाकर हम देख सकें। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे था 14 फरवरी को लास्ट सेशन हुआ था जब, तो हमने लव की बात करी थी। भगवद गीता में से हमने सीखा कि प्यार प्रेम क्या होता है और कैसे उसको किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि भगवान अपने एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि लव मीन्स सर्विस। सो लव का मतलब सिर्फ फीलिंग्स नहीं है कि सिर्फ बोलना कि आई लव यू या इस प्रकार से, वो इम्पोर्टेंट है, परंतु साथ में इम्पोर्टेंट है कि हम सेवा कैसी कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे रथ के सारथी के रूप में अपने भक्त की, अर्जुन की जो उनका फ्रेंड है, उसकी सेवा कर रहे हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लव मीन्स सर्विस। सो सर्विंग इन डिफरेंट वेज, हमने काफी डिटेल में देखा था कि सर्विस का मतलब सिर्फ बाहरी रूप में सुपरफिशियली दिखाने के लिए नहीं, पर एक्चुअली में कैसे हम सेवा कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ पे और था, हमने 5 वेज ऑफ लव की बात करी। कई बार हमारे जो दूसरा सेशन होता है आत्मशक्ति रिक्लेमिंग योरसेल्फ वेडनेस को, उसके भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, तो उसमें हमने 5 वेज ऑफ लव की बात करी है। उन 5 वेज में क्या है, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अफेक्शन और अलाउंस। तो प्रेम का मतलब इन 5ों चीजों का आदान प्रदान। और हमने पिछली बार डिटेल में भगवत गीता से देखा था कि अटेंशन में कैसे अटेंशन दिया जा सकता है। भगवत गीता से कुछ हमने वर्सेस श्लोक देख के इसको समझने का प्रयास किया था। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, एप्रिसिएशन, अफेक्शन, अलाउंस, इनके भगवत गीता के अनुसार क्या मतलब है, ये हमने डिटेल में देखा था, तो वो वीडियो है। उसके बाद एक 60 हमने अभी यूट्यूब पे एक और वीडियो है, व्हाट इज नॉट लव, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें भगवत गीता से डायरेक्ट कोट्स कम है, परंतु डॉक्टर डेविड रिको की बुक से बहुत पावरफुल कंटेंट है कि लव क्या नहीं है, प्रेम क्या है और प्रेम क्या नहीं है, ये चीजें हमने कवर करी थी लास्ट वीक। आज हम बात करेंगे जिसमें बताया, अच्छा ये लास्ट एक और इम्पोर्टेंट था कि जो एक्चुअली लव है, लव का मतलब कि हम दूसरे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में मदद करें, वो लव है। तो यहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र दिखाया गया, तो इस चक्र से बाहर निकलने में जो मदद करे वो वास्तविक लव है, सोल के प्रति, आत्मा के प्रति। क्योंकि लव हो सकता है शरीर के प्रति, किसी व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर मन गुणों के प्रति, पर वास्तविक लव होता है उस व्यक्ति के प्रति। और उस व्यक्ति के प्रति मतलब कि उसकी आत्मा के लिए क्या बेहतर है, तो उसको भगवान से जोड़ना। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं तस्मान मनुष्य पश्चिम में प्रिय, मुझे सबसे प्रिय कौन है, जो भगवत गीता का संदेश अन्य लोगों को देता है, भगवान से अन्य लोगों को जोड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संबंध में हम देखें, क्या हम कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या हम भी उसके साथ बहते जा रहे हैं, जैसा वो सामने वाला नीचे की तरफ बह रहा है तो हम भी बह रहे हैं,
वो लव नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब हम जैसे भगवत गीता कई बार सुनते हैं तो भगवत गीता में या इन जनरल हम अगर परंपरा से नहीं सुन रहे तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कर्म करेगा फल की इच्छा मत कर। तो ये एक श्लोक है भगवत गीता का, वो आधा ही श्लोक है, उसको भी देखेंगे सेकंड चैप्टर का 57 वर्स काफी फेमस है, कर्म नियम विकास के माफल विकास। तो कर्म का दो अर्थ है, एक तो एक्टिविटीज, कर्म का एक और अर्थ है कि एक्टिविटीज किस प्रकार से की जाए, कौन डिसाइड करेगा कि क्या कर्म है और क्या अकर्म। तो एक्चुअली भगवत गीता में बहुत सारी डिटेल्स कर्म के बारे में दी गई है, 3rd chapter, 4th chapter, 5th chapter, ऑलमोस्ट ये तीनों चैप्टर्स में काफी कुछ कर्मयोग के बारे में बताया गया। हम तीनों को सबको कवर नहीं कर सकते, तो आज हम 3rd chapter पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा पार्ट लेंगे जहाँ पे भगवान स्वधर्म के बारे में बताते हैं। और ये टॉपिक 2nd chapter में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि 2nd chapter पूरी भगवदगीता की समरी है। तो कर्म का मतलब कि हमारी ड्यूटीज को हम कैसे बेहतर प्रकार से कर पाए, ये हमारी जो रहती है वही है। ट्राई टू स्पीक करने से बोलने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारे कर्म है वो कर्म का अर्थ है कि जो हमारी एक अर्थ हमारी ड्यूटी, कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है, इसके लिए व्यक्ति का एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। उस साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से ड्यूटी तय करी जाती है। जैसे अब आजकल लोग जब करियर चूज करते हैं तो ये नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए। हम मोस्टली जो पहली बात तो कि करियर चूज करने के लिए मुझे 10th class में ही ऑलमोस्ट आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा आपका करियर, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि 10वीं कक्षा में मतलब मनुष्य का जो करीब 15-16 साल की आयु में व्यक्ति के पास इतनी परिपक्वता नहीं होती कि वो डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है। सॉरी वॉइस क्लियर नहीं है, तो हमने तो अभी जब तो हम ये बात कर रहे थे कि यूजुअली हमको हमारी जो क्या हमारी ड्यूटी है ये हमको कैसे पता चलेगा, और उसके लिए हमको यूजुअली बहुत जल्दी हमारे करियर में डिसीजन बनाना पड़ता है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। पहले के समय में गुरुकुल में व्यक्ति पढ़ता था तो उसके गुरु उनको पूरा आइडिया होता था कि इस व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर क्या है, उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होती थी। अब आजकल जो करियर डिसीजन बनाए जाते हैं वो यूजुअली कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या हमारे किसी और व्यक्ति फैमिली के कोई और लोगों की क्या एस्पिरेशन है, उस हिसाब से करियर डिसीजंस बनाए जाते हैं। पर वास्तविकता में स्वधर्म क्या होता है, वो स्वधर्म होता है हमारे नेचर के हिसाब से, जो गुण होते हैं प्रकृति होती है व्यक्ति की उसके हिसाब से डिसीजन बनाए जाते हैं कि ड्यूटी क्या है। और ड्यूटी मतलब वर्क हमारा क्या होगा, क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं जो भी काम करते हैं तो वो हमारा
ऑलमोस्ट हम 8 से 9 घंटा या 10 घंटा उस काम में दे रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे कंपैटिबल हो। इसके बारे में भी भगवान आगे बहुत इम्पोर्टेंट चीजें श्लोक बोलेंगे, सो लेट्स सी इफ वी कैन कवर। तो सेकेंड चैप्टर जो कि एक समरी है उसी में चालू हो जाता है कि भगवान सेकेंड चैप्टर 31st वर्स में बोलते हैं कि तुम्हें स्वधर्म कि ये जो स्वधर्म है, तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है उसके हिसाब से तुम्हें फाइट करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ये था, वो ये बोल रहा था, उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए 1st चैप्टर में, तो कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं भी ड्यूटी नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, डूइंग योर ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आपके कर्मों को करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। 33rd वर्स में भगवान बोलते हैं, 2nd चैप्टर में, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, कि अगर तुम ये जो धर्म युद्ध है ये नहीं करते हो, तो एक्चुअली तुम तुम्हारी ड्यूटीज को नहीं करने के कारण तुम्हें पाप लगेगा। और सिर्फ पाप की बात नहीं है, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो फेम है, रेपुटेशन है, वो खत्म हो जाएगी। और आगे भगवान बताते हैं कि किसी भी रिस्पेक्टेबल व्यक्ति के लिए उसकी रेपुटेशन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हम ड्यूटी करें या हम कुछ ऐसे कार्य करें जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एक एंगल है क्योंकि ये जिसमें हम भगवत गीता जब अप्लाई करते हैं तो हमको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से उसको सही अप्लाई किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल समय, पात्र और जगह के अनुसार चीजें बदलती हैं, प्रिंसिपल सेम रहते हैं। तो ये ड्यूटी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। भगवान क्या बोलते हैं 30th वर्स में, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, कि अगर तुम फाइट कर रहे हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है, अर्जुन की ड्यूटी फाइटिंग थी, हम भी फाइट कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, हर कोई व्यक्ति एक प्रकार से स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है, परंतु किस प्रकार से कर रहे हो, सुख दुख तो बराबर रखते, लाभ या नुकसान होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे, जय या अजय, विक्ट्री या डिफीट, ये नहीं सोच रहे हो कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, क्या मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सुख दुख को समान रखते हुए तुम अगर अपना कार्य कर रहे हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान फिर ड्यूटी करने की बात कर रहे हैं बहुत सारे श्लोकों में, और ये सबसे फेमस श्लोक जो 2.47, जिसमें सॉरी आवाज अभी भी है, सॉरी आज कुछ गड़बड़ है, तो मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। विल सी इफ वी कैन रिपीट दिस सम अदर टाइम, स्पेशल इंटरनेट का इशू हो जाए। तो 47th वर्स में 2nd चैप्टर में ये जो फेमस श्लोक है भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो कई बार लोग कोट करते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कर्म करो कर्म करो, तो कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यहाँ पे लिखा है भगवान बोल रहे हैं कर्मण, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में मत सोचो मत सोचो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, फल का अधिकार नहीं है हमारा। क्यों आगे आगे भगवान बताएंगे, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ फल के लिए भी नहीं कार्य करना है, और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं कर्म कर रहा हूँ इसलिए फल मिल रहा है, क्योंकि कोई सा भी कर्म ठेले पे जो ठेला चला रहा है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, और उसका ये मतलब नहीं है कि वो करोड़पति बन जाएगा, उसको पैसा कम मिलता है। और जो व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है एसी में ऑफिस में अपना और थोड़ा सा काम करता है, सेठ जी हैं वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर उनको करोड़ों मिल रहे हैं। तो कर्म के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं ये भगवान बता रहे हैं, और हम कि हम सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ कर्म करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, कर्म के साथ अन्य हमारे कर्म भाग्य भी उसमें हमारा भाग्य, पुराना प्रारब्ध है, वो सब भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत सारे भगवद गीता में भगवान बताते हैं। पर
साथ में एक और चीज बोल रहे हैं कि नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, अस्तु अकर्मणि, अकर्म के प्रति भी व्यक्ति को अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अब कर्म ने फल तो मिल नहीं रहा है तो फिर कर्म भी क्यों करें। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कर्म करना है, फल फोकस में फल नहीं है, फोकस में है कर्म, हमारी ड्यूटी, और हमको सही चेतना में कर्म करना है जो आगे बताया जाएगा कि सही चेतना क्या है। भगवान बोलते हैं 48, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते, कि अब योग की बात कर रहे हैं कि कर्म कैसे करना है। योगस्था कुरु कर्माणि मतलब योग में स्थित होके कर्म करो, योग में स्थित मतलब योग का मतलब हमने बताया युज धातु से बना है संस्कृत में, इसका मतलब है जुड़ना, और किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो कर्म का अर्थ है कि वो कर्म जो भगवान से हमें जोड़े वो कर्म योग है। अगर सिर्फ हम काम कर रहे हैं, जैसे कि देखते हैं तो पूरी धरती पे इतने जितने भी 7 अरब उससे भी ज्यादा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ काम कर रहे हैं अधिकतर, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्यों कर रहा हूं मैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ ताकि मैं एंजॉय करूंगा, मेरा मुझे आनंद मिलेगा, इसका फल मैं भोग करूंगा, वो योग नहीं। भगवान बोल रहे हैं योग क्या है, योग है जब हम कृष्ण के लिए कार्य करें। अभी आगे आएगा थर्ड चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके साथ हम एंड करेंगे। तो योगस्था कुरुकर्माणि, और अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किस चीज से, सक्सेस फेलियर। कई बार हम फेलियर के रिजेक्शन से काम नहीं करते कि हम अगर कुछ एक्टिविटी करेंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, इस डर से हम एक्शन ही नहीं लेते। पर एक्चुअली वो भी हमारे लिए खराब है, थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे, आगे आई होप तुमको समय मिलेगा इस चीज को पूरा डिटेल में, बहुत सारी चीजें हम अभी हम 2 सेशंस में कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल टॉपिक है कि हमको एक्शन कैसे करना है। भगवान को समत्वम योग उच्चते, योग की एक और डेफिनेशन भगवान ने दी कि जो समता रहती है जिसमें बैलेंस, मतलब सिर्फ वो वाला जिम्नास्टिक वाला बैलेंस नहीं, पर माइंड सुख और दुख को समान व्यक्ति देखता है वो योग है। फिर जैसा मैंने बताया थर्ड चैप्टर में काफी सारे वर्सेस हैं जिसमें पूरे चैप्टर का टाइटल ही कर्म योग है एक्चुअली तो, परंतु इसमें से हम कुछ की वर्सेस देखेंगे। 3rd to 9th वर्स, सो मे बी आई शेयर माई स्क्रीन ताकि आप भी उसको पढ़ सकें साथ में। तो हम कुछ कुछ वर्सेस 3rd चैप्टर में से कवर करेंगे जिसमें भगवान काफी एम्फेसाइज करते हैं योग के ऊपर कि कर्म योग है क्या। क्योंकि तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि आप जो ये मुझे सिखा रहे हैं उसमें कभी बोलते हैं कर्म करो कभी बोलते हैं संन्यास लो, वो अर्जुन कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, और भी होते हैं पर एटलीस्ट यहाँ पे भगवान शुरू में ज्ञान और कर्म योग होता है। फिर बोलते हैं कि जो कर्म अगर कोई नहीं करे तो उससे भी उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, ना कर्मणा अनारंभा, जो कर्म को आरंभ ही नहीं करे उससे सिद्धि नहीं गति मिलेगी, संन्यास ना देगा, न च संन्यास ना देगा, कि जो बोले कि हमने बस संन्यास ले लिया हमने सब छोड़ दिए कर्म। तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि ये भगवत गीता का मैसेज नहीं है कि सारे कर्मों को छोड़ दो। कई बार लोग जो गलत समझते हैं कि भगवत गीता अगर आप फॉलो कर रहे हो उसका मतलब आप सारे कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, तो सारे कार्यों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपके पाप कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि सही चेतना में सही कार्यों को करना, ये भगवत गीता सिखाती है। तो क्योंकि अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने जंगल में जाके संन्यास ग्रहण नहीं किया या उसने ध्यान योग नहीं किया, उसने क्या करा, युद्ध करा जो उसकी ड्यूटी थी। उसका मतलब भगवत गीता का रिजल्ट क्या है, ड्यूटी को करना सही तरीके से सही चेतना में, बार बार फोकस इसी पे आएगा। भगवान बोलते हैं कि हम एक क्षण के लिए भी
हम अपना कार्य छोड़ नहीं सकते, हमको लगता है हम सो रहे, तब भी सोल एक्टिव है, तो आत्मा तो एक क्षण के लिए भी कर्म छोड़ नहीं रही। और हम अपने गुणों के अनुसार भगवान कहते कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैव, जो हमारी प्रकृति के अनुसार जो गुण है उसके अनुसार हम कार्य तो करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य हम हमेशा ही करते रहेंगे, जब किसी भी हर समय। तो फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि हमने संन्यास ले लिया, ट्रेडिशनल तरीके से जो संन्यास होता है, एक भक्ति योग में संन्यास होता है जो हर कार्य भगवान की सेवा के लिए किया जाए, वो भक्ति संन्यास है। परंतु एक जो कर्म संन्यास होता है वो यहाँ पे मना किया, क्योंकि व्यक्ति कर्म तो करेगा ही, कुछ भी हो जाए, खाना भी खाएगा, जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार का कर्म करेगा। तो भगवान बोलते हैं कि हमको क्या करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करके और कर्म योग में, यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते, कर्म योग करना है असक्त होकर विदाउट अटैचमेंट, उस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल भी करना जरूरी, क्योंकि मन क्या बोलता है, अरे आज नहीं तो आलस आ रहा है, या आज नहीं करेंगे, या हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो ये जो कार्य हैं ये एक्चुअली हमको रोकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इंद्रिया हमको इधर उधर भगाती रहेंगी। और नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, क्योंकि परफॉर्मिंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज बेटर देन नॉट वर्किंग। भगवान ने बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे बोला है कि नियतम कुरु कर्मत्वम, जो तुम्हारे नियत कर्म है स्वधर्म है उसको करना है। स्टूडेंट है हम, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, घर के काम है, हमारे लिए जो भी ड्यूटी हमको क्लियर है कि ये मेरी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को करना है। कई बार हमको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि हमारा मन नहीं मानता, इच्छा नहीं होती। परंतु भगवान बोलते हैं कि हम हमारा फिजिकल बॉडी शरीर यात्रा अपि चते न प्रसिद्धिर अकर्मणा, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। हमको इवन एक्सरसाइज भी एक प्रकार से कर्म है, क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, बॉडी से हम काम कर नहीं पाएंगे, जो हम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक से खाना खाना, ये सब भी हमारे ड्यूटी है, ये भी हमारा कर्म है। ये ड्यूटी हमारी खुद के प्रति है, हम दूसरों के प्रति ड्यूटी की बात करते हैं, ये ड्यूटी हमारी खुद के प्रति। अब 9th वर्स में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि कर्मण कैसे करना है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म वंदना, अगर हम यज्ञ के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म बंधन बनाता है। मतलब हमने कुछ एक्शन किया उसका हमको रिएक्शन मिलेगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। खैर ये न्यूटन का लॉ है, प्रकृति के भी नियम है, लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर क्या बोलते हैं, आप कोई भी कार्य करेंगे उसका आपको अच्छा या बुरा फल मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, पर एक्चुअली बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मतलब पृथ्वी है, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ये सब बहुत सारे बताते हैं कि जो देवता हैं ये देख रहे हैं कि हम छुपके भी अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, हमको लग रहा है किसी ने नहीं देखा, पर एक्चुअली सब नोट हो रहा है। तो सारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है अगर हम अच्छा करते हैं। कई बार हम बताते नहीं है पर अच्छा काम करते हैं तो उसका भी हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर मिलता है। तो कर्म कोई सा भी करें हम, उससे बंधन क्रिएट होता है, बुरे कर्म से बुरा बंधन होता है। तो हमको वो छोड़ के क्या करना है, यज्ञ के लिए कर्म करना। यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञो वे विष्णु हूँ, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए कार्य करना है। और वो यज्ञ आगे काफी डिटेल में आता है, हम अगर भागवतम में भी देखें तो भागवतम में कहा जाता है कि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, जो भी हमारे धर्म है वास्तविक धर्म क्या है, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए। या एक और जगह आता है कि श्रम एव हि केवलम, कि अगर हमने जो कार्य करे वो भगवान विष्णु के प्रति न उत्पादित यदि रहते श्रम एव हि केवलम, तो वो भगवान विष्णु के प्रति अगर अट्रैक्शन अटैचमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, मतलब कि वो श्रम है, उसको छोड़ देना चाहिए।
जब हम सही प्रकार से कार्य करते हैं तो हम बंधनों से छूट जाते हैं। जैसे हमने इसके पहले देखा था कि एक जो हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलना मतलब सही कर्म करना है। कर्म करना है पर यज्ञ अर्थात भगवान के लिए कर्म करना है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े अगर तो भगवान बताते हैं कि यज्ञ अगर हम नहीं करते हैं तो उसके कारण हमको फिर बंधन होता है और यज्ञ कर्म से बंधा हुआ है। तो यज्ञ और कर्म रिलेटेड है। अगर हम तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति समझदार है वो सिर्फ कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है कार्य करने की, पर फिर भी एज ए ड्यूटी कर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये बताते हैं भगवान कि तस्मात असक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचार, असक्तो ही अचरण कर्म परम आपनेति पुरुषो। जो व्यक्ति असक्त होके अपने कार्य करता है दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्ट है, पर वो कार्य क्यों कर रहा है? ताकि वो एग्जाम्पल सेट करे कि हाँ हमको हमारी ड्यूटी करनी है। जो इस प्रकार से कार्य करता है वो परम आपनोति पुरुष है, वो भगवान की को प्राप्त करता है, मतलब सद्य हम बोल सकते हैं कि भगवान के धाम वापस जाता है। जनक आदि कई सारे लोगों ने इस प्रकार से ही कार्य किया, सिर्फ दूसरों के को सिखाने के लिए। और बताते हैं क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठ, जिस प्रकार से लोग कार्य करेंगे, जो लीडर्स हैं वो जैसा ही कार्य करेंगे वैसे ही सामान्य जनता उसको फॉलो करेगी। और हम देखते भी हैं कि सामान्य जनता बहुत सोचती है। अगर कोई बहुत बोल सकते हैं जैसे कोई बहुत बिलियनेयर व्यक्ति है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स, इनके नाम काफी प्रसिद्ध हैं, उन लोग ये देखना चाहते वो कैसे कार्य करते थे। वो सुबह जल्दी उठते थे, हम भी जल्दी उठेंगे। वो सक्सेसफुल कैसे हो गए, हम भी करेंगे। तो जो भी लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाए। एक्चुअली लीडर्स को ही नहीं पता है कि क्या करना है, क्या सही है क्या नहीं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते तो फिर सामान्य जनता तो कर ही नहीं सकती। तो जो व्यक्ति भगवद गीता को फॉलो कर रहा है उसको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति और ज्यादा डेडिकेशन के साथ भगवान को चेतना में रख के कार्य करें, ये भगवत गीता हमको सिखा रही है। और वो एग्जाम्पल देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे कि हाँ हमें भगवत गीता को फॉलो करना है क्योंकि इससे हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, उनसे भाग नहीं रहे हैं, हम अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमारे अगर हम जॉब में हैं तो हमारा मैनेजर भी बोलेगा, बॉस भी बोलेगा कि हाँ ये क्यों ऐसा इतना कैसे कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी गोल क्लियर है। ऑफकोर्स हमको हमारी बाउंड्रीज और ये सब पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाउंड्रीज नहीं होती वी विल गेट एक्सप्लॉइटेड। तो कर्म के प्रति डेडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सप्लॉइट हों और हमारी जो जैसे बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, हमारी जो मेन चीजें हैं उससे हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे, हेल्थ से, हमारे खाने पीने से, रेस्ट से, या हमारी रिलेशनशिप से अगर कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो वो वर्क, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे कि ऐसा कार्य करो कि बस 24 घंटे काम में ही लगे रहो, अपनी साधना मत करो, भगवान का नाम मत लो। बोल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पहले करना है, और कर्म इम्पोर्टेंट है पर उसकी बाउंड्रीज है, तो हमको भागना भी नहीं है, उसको बाउंड्री में करना। अपना एग्जांपल खुद का देते हैं भगवान कि मैं मेरे मुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। भगवान को ऐसा नहीं कि जॉब करेंगे तो उनको खाना मिलेगा, पूरी दुनिया में हजारों लोग 56 भोग लगा रहे हैं तो भगवान के पास खाने कि यह चीजों की कमी नहीं है। भगवान तो सबके ओरिजिनल सर्वलोक महेश्वरम। परंतु भगवान बोलते हैं मैं क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि लोग मुझे फॉलो करेंगे, और अगर मैं लोगों को सही एग्जांपल सेट नहीं करूँगा तो लोगों का जो पीस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करना चाहिए। अब हम एक दो श्लोक और कुछ लेंगे फिर फिनिश करेंगे। तो भगवान बताते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है, प्रकृति क्रियमाणा ने गुणे करवाणी सर्वश्रेष्ठ। प्रभुपाद का एक बहुत पॉपुलर या बोल सकते हैं कि प्रिय श्लोक था, पसंदीदा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, पर एक्चुअली ये सब काम गुण करवा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको रिजल्ट्स के प्रति
हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, गुण क्या कर रहे हैं। हमारी काम है सही चॉइसेस बनाना और फिर गुणों से प्रभावित होके हमारा जीव शरीर काम करेगा। तो हमको चॉइसेस सही बनानी है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं कि सही कार्य करने हैं, हमको एफर्ट लगेगा उसके लिए, पर हमारी बॉडी ट्रेन हो जाती है। कई बार हम अगर बॉडी के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो बॉडी ट्रेन हो जाती है धीरे धीरे। अगर हम क्लियर हैं कि हम क्यों कर रहे हैं तो वी कैन ट्रेन आवर बॉडी। नहीं तो हम, और स्पेशली यहाँ पे भगवान बोलते हैं, 30th verse मुझे बहुत पसंद है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। भगवान बोल रहे हैं कैसे कर्म करना है, मयि सर्वाणि कर्माणि, ये सारे कार्य मुझे अर्पित करते हुए करो। आगे भी भगवान बोलते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि, जो भी तुम करते हो तत्पुरुषव मदर्पणम्, मुझे अर्पण करते हुए करो। यत् करोषि, जो भी तुम कर रहे हो मुझे अर्पण करते हुए करो। उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोले मयि सर्वाणि कर्माणि किस तरीके से, मेरे बारे में जानते हुए अध्यात्म चेतसा, जो चेतना क्लियर हो कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, ये मेरी आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी के साथ में कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, विथ नो क्लेम्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विगत ज्वरा मतलब कि आलस को छोड़ के कार्य करना है, क्योंकि जब हमें पता है कि हम, जैसे सैनिक होता है तो सैनिक आलस नहीं कर सकता, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। तो वो युद्ध में लड़ने जाए और सामने से गोलियां चल रही हो, मतलब सो रहा है, ऐसा नहीं होगा। सैनिक पूरी जान लगा देता है, क्यों, क्योंकि वो किसी हायर पर्पस के लिए कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम हायर पर्पस के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो पूरी जान उसमें लगा दें बिना आलस किए। कई बार हमारी इच्छा नहीं होती है आज, तो ठीक है, वंस इन अ वाइल हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि हमको, अगर हमारी एक, हमको एक होता है पैटर्न होती है और एक होता है एक्सेप्शन। पैटर्न मतलब जो हमेशा चल रहा है। अगर हम को पता है कि सुबह जल्दी उठना है, ये हमारी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अब हमारी पैटर्न है कि हम सुबह नहीं उठ पाए। वंस इन अ वाइल अगर हम नहीं उठ पाए तो समझ में आता है कि हाँ, व्यक्ति 30 दिन में से मान लो 25 दिन उठा, 5 दिन नहीं उठ पाया, तो समझ में आता है कि चलो एक्सेप्शन है, ज्यादा थक गए, लेट हो गए सोने में, इस प्रकार से। पर अगर हमारी पैटर्न ही है कि अगर हम 30 दिन में से 15 दिन या 10 दिन ही जल्दी उठ पा रहे हैं, या और कम 5 दिन, तो इसका मतलब हमारी पैटर्न खराब है। तो वो पैटर्न बदलने की जरूरत है, मतलब हमको आलस छोड़ना। आलस मतलब मानसिक आलस और शारीरिक आलस दोनों। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी आलस को छोड़ें और कार्य करें। तो ये हमारा अभी तक का एक लास्ट वर्स और है। भगवान 8th chapter में बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेवेश्यस्य असंशयः। मैं भी ये जो कर्मयोग वाला टॉपिक हम फिर से लेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी आते हैं बहुत सारा इसमें कंटेंट है जो बचा है, जो भगवान वो काफी बोलते हैं इस चीज पर। भगवान बोलते हैं कि तुम युद्ध करो, पर ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध युद्ध करो। भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, जब तुम जब युद्ध कर रहे हो तो पूरे समय मेरा ध्यान करो। ये कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब कि कर्म करना है पर भगवान का स्मरण करते हुए करना। तो कुछ समय हमारे जीवन में सिर्फ भगवान के ऊपर फोकस, जैसे जप होता है, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो साधना है। साधना का मतलब कि व्यक्ति अपना पूरा फोकस उस चीज पे है। कई बार लोग बोलते हैं हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, पर वो साधना नहीं है, वो एक्सक्यूज है। जब हम अगर, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि कुछ समय जप के लिए फोकस्ड मेडिटेशन होना चाहिए। भगवान बोलते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। खैर, जप के ऊपर कभी और बात करेंगे, परंतु एक कुछ समय हमारी साधना के लिए और कुछ समय हमारे कार्यों के लिए, जो अन्य कार्य हैं। तो इस प्रकार से, पर पूरे समय भगवान का चिंतन करते हुए कार्य करना है। इस प्रकार से भगवान को अपना मन, बुद्धि और कर्म सब हम अगर
सेक्रीफाइस कर देंगे, हम उनको सरेंडर कर देंगे, तो भगवान फिर उसके बाद चीजों को चलाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास कुछ मिनट हैं, लगभग 2-3 मिनट में मैंने बताया मीटिंग में, तो मुझे फिनिश करना। तो लेट्स सी, अगर किसी को कोई प्रश्न या कोई कुछ कमेंट हो तो। ये इमेज अच्छी लगी, व्यक्ति ऑफिस में है, ऑफिस की ड्रेस में, पर मेडिटेशन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कर्म से भागना है, या हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं पर हम अपने काम छोड़ के और भगवान का ध्यान कर, वो भी सही नहीं है। काम के समय काम और अपनी साधना के समय साधना। हरे कृष्ण। सो आप सभी का धन्यवाद ज्वाइन किया, और लेट्स सी अगर कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपका सेशन भी अच्छा था। मतलब मोस्टली आपने यही कहा कि भाई हमें थोड़ा लाइफ में एनर्जेटिक रहना चाहिए, हर काम में, पर कभी कभी मतलब ऐसा नहीं होता है तो क्या करें। कभी कभी ऐसा नहीं होता है तो उसके कारण को समझना जरूरी है। कई बार कुछ उचित कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम बहुत थक गए हैं, हम अपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम बहुत मेहनत करे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए समय चाहिए। अगर हम रेस्ट नहीं कर रहे ठीक से, हम अगर बहुत पढ़ रहे हैं, हमारी बहुत मान लो स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़ाई है, तो माइंड को भी एक आराम चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि तभी वो एफिशिएंट हो पाता है। कहते भी हैं कि माइंड की वर्किंग के लिए प्रॉपर रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस और स्लीप दोनों बहुत कनेक्टेड। तो हमको अपने आप को बीट नहीं करना है कि अरे हम तो कर नहीं पा रहे। अगर हमारा प्रवृत्ति ही आलस की है या हम बहुत मतलब नहीं कर पाते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्यों हमारे अंदर लाइफ के प्रति अट्रैक्शन क्यों नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर इमोशनली स्टेबल है तो वो काम करने से भागेगा नहीं, वो काम करने में उसको करेगा। पर अगर हम हमारे अंदर मोटिवेशन की अगर कमी है, तो इसका मतलब है कि हमको अपने इमोशनल उसको देखना पड़ेगा कि क्या इश्यूज हैं। क्या हमें जो आलस कर रहे हैं ये इमोशंस, क्योंकि कई बार हमें जो डिप्रेशन होता है या कई बार हम काम नहीं करने की इच्छा ही नहीं होती है क्योंकि हम मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर वैसा कुछ है तो हमको कोई प्रॉपर काउंसलर या कोई उसकी जरूरत हो सकती है कि जो हमको सही दिशा बताए, हम रूट कॉज को समझें कि क्यों हम नहीं कर पा रहे। अपने आप को जज नहीं करें, बीट नहीं करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को ब्रेक देना भी जरूरी है। अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन अगर हम रखते हैं, हाई होना चाहिए पर अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं, इसलिए शॉर्ट में आपसे दे रहा हूं। तो सर वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करना है। आपके कोई और प्रश्न हो तो और पूछ सकते हैं बाद में पर्सनली, आई थिंक यू ऑल हैव माय नंबर, एंड अदरवाइज हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के और कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग अटेंटिवली। वी विल सी यू ऑन वेडनेसडे फॉर रिपीटिंग योरसेल्फ।